अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न कोफ्ता मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा और मसालों में हम एक नई चीज़ इसमें ऐड करेंगे। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। मसालों में एक नई चीज़ ऐड करेंगे हम, कलौंजी 1/2 टीस्पून, मेथी 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। 4 अदद प्याज लिए हैं हमने, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। 7-8 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे जग में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। फ्रोज़न कोफ्ते लिए हैं हमने बड़ा पैकेट, सब रोसे के कोफ्ते लिए हैं हमने यहाँ पर। इसे हम उसी ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। पाँच से सात मिनट इसे फ्राई करेंगे। एहतियात से इसे फ्राई कर लें। चार अदर टमाटर लिए हैं हमने, इसे भी जग में डालेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देंगे जग में। अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और प्यारा सा कलर भी आ चुका है इनका। कोफ्तों को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम प्याज और टमाटर का बैटर कढ़ाई में डालेंगे। मसालों में हमने मेथी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। मसालों में एक नई चीज़ जो हमने ऐड करनी थी वो है कलौंजी, वो भी ऐड कर देंगे। कोफ्ता मसाला 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे सारे मसालों को। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप फ्रोज़न कोफ्ता मसाला बनाएं। बहुत इजी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट तैयार हो जाता है ये सालन। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे पकने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। फ्रोज़न कोफ्ता मसाला तैयार है। इसमें जो कलौंजी ऐड की है उसे सालन का जायका बहुत ही मज़े का बनेगा, आपके मेहमानों को भी पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।